कोरोना आपदा के दौर में जिला प्रशासन के आंकड़े भले ही मेल न खा रहे हों, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मृतकों के परिजन देह संस्कार के बाद कई मृतकों की अस्थियां भूल चुके हैं, जिनका आंकड़ा सैकड़ों में पहुंच रहा है। इन आंकड़ों को लेकर अस्थियों के अंबार के बारे में पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले मामले सामने आए। मेरा नाम सिमरन भावसार है, मैं पचकुया मुख्य धाम पे हूँ। ये इनके परिवहन जैसे वहाँ से दूसरा तीसरा करके यहाँ डब्बे में लाते हैं नाम पता लिख के, और उनको हम हमारे रजिस्टर में भी नाम पता लिख के और यहाँ लटकाते हैं। हाँ, हम संभाल के रखते हैं। अब ये कह रहते हैं जैसे भूल भी जाते हैं, पैसा कौड़ी रहता है तो पैसा कौड़ी रहता है, जब तक भूल जाते जब आज याद आती ख़त्म होता है, विवाद होते हैं बच्चों और घर में तो यादें आती है इनको कि अपने पिताजी के फूल पड़े, अपन ने ऐसा करा कुछ, फिर चलते हैं ये वहाँ। नहीं हम तो बोलते ही ना, हमारे को पड़े कि नहीं कि जब तक ये भले दो साल नहीं आते हम तो बोलते पड़े रहते हैं। तो बीमारी की ये समझ लो बीमारी ज़्यादा है, ये डब्बे में ये सारी लोग पैक करके जाते और रख जाते हैं। अब इसमें पता नहीं चलता है कि कौन बीमारी का क्या है, नाम पते बस लिखे रहते हैं, उस पर लिखते नहीं कि बीमारी की। यह मजबूरी है या इंसानियत मर चुकी है? देश भर के शमशान में लोग अपने परिजनों को जलाने के बाद अस्थियां भूल चुके हैं। किसी को बीमारी का डर है तो किसी के व्यक्तिगत विवाद, तो कुछ लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद अस्थियां विसर्जन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। देश भर में जिस तरह से माहौल बन चुका है, चाहे गंगा नदी में बहती हुई लाशें हों या जेसीबी मशीन द्वारा गड्ढों में दफनाई जाती लाशें, या फिर गंगा किनारे रेतीले कब्रिस्तान, या बात करें परिजनों का हॉस्पिटल में लाश को छोड़कर जाना और फिर दूसरों द्वारा उनका अंतिम संस्कार करना, यह सब उदाहरण है कि हमारी मूल भावना जिसमें मानवता बसती थी वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यह नज़ारा इंदौर के सबसे प्रसिद्ध मुक्तिधाम का है, जहां परिजन मृतकों की अस्थियां लेने तक नहीं पहुंच रहे, जिन्हें फूल भी कहा जाता है। इस समय किसी भी शमशान में लगभग 500 से 800 अस्थियां विधि विधान से इंतजार कर रही हैं विसर्जन होने का। खैर मामला कुछ भी हो, लेकिन यह अस्थियों की बढ़ती संख्या भी एक चिंता का विषय है, जिसके कारण मुक्तिधाम के संचालकों को आने वाले दिनों में अस्थियों के रखरखाव के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।